एंजॉय। और आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो है लेनोवो A1000 को कैसे कस्टम रॉन्ग से मारा जाता है, और इसके लिए TWRP रिकवरी चाहिए, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और मेरे एक वीडियो भी है TWRP कैसे रिकवरी मोड को इंस्टॉल करते हैं, वो वीडियो आप देख लेना ताकि आपको आसानी से TWRP रिकवरी मोड आ जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ कीजिए, उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन को और पावर बटन को क्लिक करके रखिए। क्लिक करने रखने के बाद TWRP रिकवरी आ जाएगा। उसके बाद आपको बैक पे जाना है और वाइप डेटा पे जाना है, उसके बाद फॉर्मेट डेटा पे जाना है और यहाँ पर यस लिखना है। यस लिखने के बाद आप राइट मारेंगे तो डेटा फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद बैक पे जाइए और एडवांस वाइप पे जाइए, वहाँ पर कैचे डेटा एंड डॉट लिप को अब राइट करके कैचे कर दीजिए। तो जैसे कि देख रहे हैं कैचे हो गया है। उसके बाद आप इंस्टॉल फाइल पे जाइए और जहाँ पर आपने फाइल डाउनलोड की है वहाँ पर जाइए। डाउनलोड फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड पे जाइए, तो जैसे कि देख रहे हैं ये इसका रोम है, उसको क्लिक कीजिए। पहले रोम पर क्लिक कीजिए, उसके बाद उसको स्वाइप टू इंस्टॉल कर दीजिए, तो यहाँ पर इंस्टॉल होगा। इस लेनोवो फ़ोन का लेनोवो 1000 का ये बहुत ही अच्छा रोम है। इसका साइज़ लगभग 250 MB का है, जो कि 250 MB के बहुत ही अच्छा रोम दिए है। आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ज़रूर TWRP रिकवरी का जो मैंने वीडियो डाला है उसको देख लीजिए, नहीं तो TWRP रिकवरी अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा तो रोम को दिक्कत होगा। इसलिए TWRP रिकवरी वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ही इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रोम इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आप बैक पे जाइए और यहाँ पर जो जीएफ्स का जो जिप फाइल है उसको भी आप इंस्टॉल कीजिए और स्वाइप टू इंस्टॉल कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो गया। आप बैक पे जाइए, रिबूट पे जाइए और सिस्टम पे रिबूट कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो गया है और एनिमेशन हो रहा है, उसके बाद ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिंदी बहुत ही घटिया तरीके से बोलता हूँ क्योंकि मेरे लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर इंग्लिश के दिए, और उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए ये लेनोवो A1000 ही है, ताकि आप लोग मत समझेगा जो ये फेक वीडियो है।
लेनोवो A1000 ही है। और अगर इंग्लिश करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, मेरे पास वाइफ नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देखता हूँ। नाम भी दीजिए, और जैसा कि देख सकते हैं फास्ट बूट हो गया है। तो इस रोम बहुत ही अच्छा है, इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर नोटिफिकेशन बार भी चेंज हो चुका है। और इसको सेटिंग्स पे जाइए, जैसे कि देख सकते हैं मेनू भी चेंज हो चुका है। सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स भी चेंज हो चुका है। अब अबाउट फोन पे जाइए, 5.0 हो चुका है लॉलीपॉप, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बिल नंबर भी है, और आप इसको स्टोरेज भी देख सकते हैं कितना स्टोरेज आपके पास अभी है फिलहाल। स्टोरेज पे जाइए, जैसे कि देख सकते हैं अवेलेबल 4.30 GB अभी भी आपके पास अवेलेबल स्टोरेज है। और यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं रोम बहुत ही अच्छे से तरीके से काम कर रहा है, कोई क्रैश भी नहीं हो रहा है। और इसका कैमरा टेस्ट भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, पहले से बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी बहुत जरूरी है करने के लिए, ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले। और मेरे इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और मैंने जिस प्रोसेस से रोम को इंस्टॉल किया है उसी प्रोसेस से करना होगा, नहीं तो रोम क्रैक हो सकते हैं और आपको दिक्कत आ सकते हैं रोम में, कोई ऐप्स क्रैक हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो सकता है। इसलिए मैंने जैसा किया है वैसा ही करना है आपको। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा।